एक्ोथायोफेट एक्ोथायोफेट इज इिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज अब जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इंजाइम था वो क्या करता था एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता था इंटू एसिटेट प्लस कोलिन अब जब इस इंजाइम को हम ब्लॉक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एक्ोथायोफेट तो एसिटाइलकुलीन के लेवल्स जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और पैरासिपथैटिक अफेक्ट्स जो वो आना स्टार्ट होंगे सो इट बाइंडस इर टू द कोलिन एसडेज कॉल्ड एंटी कोलिन एस या इसको हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज ऑर्गेनोफॉस्फेट मैकेजम ऑफ एक्शन की बात करें तो जो नर्व टर्मिनल होता है वहां पर एसिटाइल कोलिन निकलती है ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकती है और मास्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स में एन सब एन और एन सब एम रिसेप्टर्स होंगे मास्कुरेनिक में एम वन होगा एम टू होगा एम थ्री होगा डिफरेंट मास्कुरेनिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं और जो ये एसिटाइलकुलन बच जाती है साइन में इसकी ब्रेक डाउन होती है इंटू एसीटेड प्लस कुलीन दिस कुलीन इज देन रीसाइकल्ड ठीक है ये कुलीन कैरियर इसको अपटेक करते हैं और देन इसके साथ कोए एड होता है और एसिटाइलकुलन जो है वो री

दैट इज गोइंग टू बी एकोथायोफे सो इस सब की वजह से अब ये ब्रेक डाउन होना बंद हो गई है जिसकी वजह से एसिटाइलकुलीन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं तो ज़्यादा एसिटाइलकुलीन फिर ज़्यादा निकोटिनिक और ज़्यादा मस्कुरेनिक रिसेप्ट को स्टिम्यूलेट करेगा जिसकी वजह से पैरासिम्पैथैटिक इफेक्ट्स होंगे जिसे हम कहेंगे पैरासिम्पैथो माइमेटिक इफेक्ट्स होंगे जिसमें हमारे पास इंक्रीज पैरिस्टॉलॉल्स आ सकता है उसके अलावा इंक्रीज सिक्रीशनस आ सकती हैं उसके अलावा आईओपी जो है वो रिड्यूस होगा इंट्राकुलर प्रेशर कम होगा ब्रेडिकार्डिया हो, हो सकता है हार्ट रेट स्लो हो सकता है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो सकती है क्योंकि ब्रोंकाई के अंदर भी एम थ्री रिसेप्टर्स होते हैं उसके अलावा फैसिकुलेशन हो सकती है और ट्विचिंग हो सकती है उसके अलावा क्या हो सकता है परसिस्टेंट पोटेंशिएशन हो सकती है सैरिन गैस के साथ जो कि नर्व गैस है एंड दिस एंड डेथ अब हमें पता है कि जो एकोथायोफेट है वो एसी टाइल को लीड एस्ट्रेस के साथ बाइंड करता है इ रिवर्सिबली विद एसिटाइलकुलस्टेज और ये बाइंड कहाँ पर करते हैं एस्ट्रैटिक साइड के ऊपर बाइंड करेगा जिसकी वजह से क्या होगा इिवर्सिबल फॉस्फ होगी अब ये जो इिवर्सिबल फॉस्फ है इसको सिर्फ प्रायलीडोक्म जो है वो रिवर्स कर सकता है सो प्रायलीडोक्म कैन बी यूज एज एन एंटीडोट फॉर एकोथायोफेट पॉइजनिंग उसके अलावा अगर इसके फॉमोकनेटिक्स की बात करें तो ज रेडिली एब्जॉर्ब थ्रू स्किन गट एंड लंग्स और इसको इसकी एब्जॉर्बशन इतनी ज्यादा है कि उसको बचाने के लिए हमें प्रोटेक्टिव क्लॉदिंग की जो है वो जरूरत पड़ सकती है एक्थायोफेट इज ऑल्सो लॉन्ग एक्टिव क्लिनिकल यूज इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लैकॉम टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इट में गिव एजमेटिक लाइक सिम्टम्स या इसके अलावा पैरसिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस जो होंगे वो हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिस्टॉलसिस जो इंक्रीज़ हो जाए डायरिया हो जाए सिक्रीशनस इंक्रीज़ हो जाए जाएँ uh, ग्लैंड की ठीक है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाए आई ओ पी जो होगा वो कम हो जाएगा ब्रेडी कार्डिया हो सकता है ब्रोम को कंस्ट्रिक्शन हो सकती है फैसिकुलेशन ट्विचिंग हो सकती है तो ये सारे जितने इफेक्ट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है उसके अलावा अगर अदर सिमिलर ड्रग्स की बात करें जो कि मिलती जुलती है उसमें पिथैनिकोल मैथोकुलन पाइलोकार्पिन मस्कोनिन और लॉबिलीन दीज ऑल आर डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुरेनिक एगनिस्ट ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को पोटेंशिएट करती है कुछ ड्रग्स हैं दीज आर निकोटीन वरानिकलिन सक्सिनाइकुल नियोनिकोटिनॉइड क्लोथानेडीन इमिडोकलॉपरेट दीज आर डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक रिसेप्टर एगेनिस्ट ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को पोटेंशिएट करती हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं उसमें एसिटाइल कोलिन आ सकती है कार्बाकोल आ सकता है दीज आर कॉल्ड कोलिन एस्टर्स और ये दोनों जो हैं दीज आर डायरेक्ट एक्टिंग मस्कोटिन एगनिस्ट एज वेल एज निकोटिनिक एगेनिस्ट फिर अगर कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो उसमें एड्रोफोनियम आ सकता है दिस इज एन एल्कोहल दिस इज़ वेरी शॉर्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट में क्या आ सकता है फाइजोस्टिक मीन पैरिडोस्टिक मीन एम्बिबोनियम डाइवास्टिक मीन और कार्बरइल दीज आर ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्टिंग बट इंटरमीडिएट एक्शन ठीक है इनका जो एक्शन होगा वो इंटरमीडिएट होगा और अगर लॉन्ग एक्शन के साथ देखें तो उसमें मैलाथायोन पैराथायोन मैट्रीफोनेट डाइक्लोरवस एक्थायोफेट सैरिन एंड टेबलिन दीज आर ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्टिंग लेकिन इनका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और इन्हें हम कहते हैं दीज आर ऑर्गेनो फॉस्फेट्स उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं वो हम अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं उसमें डाइवर्सटिगमीन गलैंटाम डोनेपजल और टैक्रीन हो सकते हैं